माय चैनल एंड वेलकम इफ यू आर न्यू हियर। आपको अगर कुछ फेमिलियर लग रहा है देख के तो मैं बता दूं, मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ और कुछ दिनों के लिए मम्मी घर पे आई हूँ। क्यों आई हूँ ये बैक स्टोरी आपको बाद में बताऊंगी, अभी मम्मी से मिलवाती हूँ। मम्मी से हेलो। हेलो। अब यहाँ बन रहा है खाना, आज संडे है, चावल हो रही है और यहाँ बन रही है दाल। दाल बन रही है गाइस पालक की दाल बन रही है। यहाँ मैं आपको सेट कर देती हूँ कि आप भी देखते रहें कैसे क्या हो रहा है। ये टमाटर काट के मैं दाल में डालने वाली हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ चाकू, पर मुझे चाकू मिल नहीं रहा है। ऊपर देखो बेटा, थोड़ी सी लहसुन
फ्राई कर रही हैं मम्मी, और अब चलूँगी मैं बेबो को नहाने को। बेबो आज सुबह से बेबो का मूड बहुत ऑफ है, उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था तो मैंने काफ़ी देर उसके पैर भी दबाए, तो अब मैं चलूँगी उसको नहलाने और उसके बाद हम लोग उसको लेके जाएंगे छत पे, क्योंकि आज धूप निकली हुई है, अच्छी धूप निकली है। और आज मम्मी के गैस ओवन में मैं बनाऊँगी चॉकलेट केक सबके लिए, तो घर से मैं मेजरिंग स्पून और कोको पाउडर मंगा लूँगी हस्बैंड से और बनाऊंगी यहाँ पे चॉकलेट केक। देखते हैं मम्मी के गैस ओवन में चॉकलेट केक कैसा बनता है। हालांकि मैं दिखाऊं मम्मी के पास टिन भी है, वो देखिए एग्जैक्ट टिन है। तो बहुत दिन हो गए हैं, लोग घर के लोगों ने मेरे हाथ का चॉकलेट केक नहीं खाया है, तो मैं चॉकलेट केक बनाऊंगी यहाँ पे। और मेरे पास व्हिपिंग क्रीम भी है तो मैं वो भी मंगवा लूँगी कि मैं अच्छे से डेकोरेट कर सकूँ केक को, और सभी बच्चों को भी खिलाऊंगी घर का बनाया हुआ केक। तो मम्मी अभी बना रही है यहाँ पे खाना, और ये रही बेबो। बेबो चलो ना आने, बेबो इस रूम में अभी हम लोग रह रहे हैं गाइस। यहाँ नीचे बेड लगा हुआ है मम्मी के लिए, और ये बेड है हम लोग का जो कि अभी बहुत ज़्यादा मैसी है, जो कि मैं अभी क्लीन करूँगी। तो आइए फटाफट से बेड क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद बेबू को लेके चलते हैं नहाने के लिए। मैं फोल्ड नहीं करूँगी कोई भी रजाई, बस अच्छे से फैला दूँगी, क्योंकि रजाई में तो घुसना ही रहता है फाइनली हम लोगों को, तो रजाई बस फैला दे रही हूँ। बेबो चलो नहाने को, छत पे चलना है रैबिट देखने। हाँ अभी चलना है, बस नहा के चलना है। तो गाइस यहाँ ऑलरेडी बेबी क्रीम है मायरा का, जो कि बेबी क्रीम है, तो ये मैं ले लूँगी। यहाँ नीचे वाला एरिया मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बेबो को मैं यहीं लेकर आऊँगी और यहीं कपड़े पहनाऊँगी। ये है नीचे वाला बेड, इसको क्लीन कर लेते हैं। इसकी रजाई मैं फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बेबो को लेकर आना है और कपड़े वगैरह पहनाने हैं। हाँ तो यहाँ मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और आप लोग से थोड़ी चैटिंग भी कर लेती हूँ। तो हुआ क्या था गाइस, हुआ ये था कि मेरे को आ गया था माइग्रेन अटैक, बहुत ज़्यादा माइग्रेन अटैक। उसके वजह से मुझे इंजेक्शंस लेने पड़े टू क्योर माई माइग्रेन। तो इंजेक्शंस लेने के वजह से टब में नहाएंगे, बाथटब में। बाथटब कहाँ है? बाथटब है नानी के पास, नानी से पूछो, जाओ नानी से पूछो, नानी बाथटब है। तो हुआ ये था कि मुझे इंजेक्शन्स लेने पड़े थे और बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गया था, क्योंकि हेडेक्स इतने ज़्यादा हो रहे थे कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी मेरी। तो पापा ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन के लिए मुझे लेने आएंगे और मैं घर आके रहूँगी। तो आई एम फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर टुडे, क्योंकि मैंने बहुत रेस्ट किया है, कल बहुत 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 रेस्ट किया है। तो इतना रेस्ट करने के बाद आई एम फाइनली फीलिंग वेल टुडे। तो ये थी बैक स्टोरी
कि क्यों मैं यहाँ हूँ। क्या बेबी, क्या वो बाथटब नहीं दे रहा कोई? बाथटब कोई नहीं दे रहा तुमको? चलो हम तुमको बाथटब देंगे। ये किसका है भाई? ये मेरा है भाई। पॉट सीट पे बैठ के कर लो अपने। चलिए आइए बेबो को लेके चलते हैं नहलाने के लिए। पॉट सीट बाहर है। चलो 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 चलो। ये देखिए, ये है बेबो की पॉट सीट जिसमें बेबो बैठ के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर करती है। लो बैठ के कर लो। उतर तो गया। और अभी हाँ दिखा रहे हैं, अभी नानी नहाने गई हैं। नानी के नहाने के बाद मैं बेबो को नहलाऊंगी। तो बेबो के लिए कुछ और कपड़े मैं निकाल रही हूँ, जैसे कि जैकेट्स हुए, उसके लेगिंग्स, इनर वो पहनती है पर साथ में वो लेगिंग्स भी पहनती है। तुमको बाथटब दिखाओ। हाँ दिखा रहे। मम्मा का एक मिनट बाथटब भी दिखाना। हाँ बड़ा सा बाथटब की छोटा सा है, दोनों बैठे नहाएंगे क्या? नहीं हम नहा चुके हैं। तो यहाँ बेबो के बाकी कपड़े निकल चुके हैं। आइए नानी नहा रही है अभी। मम्मी ग्रीन वाला बाथटब कहाँ है? वो तो पीछे देखो ना। है ना पीछे? हाँ, थोड़ा धुल लेना। ठीक है ठीक है, नानी को निकलने दो, उसके बाद करते हैं। बाथटब अभी आ रहा है, नानी नहा रही है, नानी नहा ले उसके बाद हम बाथटब निकालेंगे। तो अभी तक का यही है गाइस। अभी जा रही हूँ हस्बैंड को कॉल करने और उनको बोलने कि मेजरिंग स्पून और कोको पाउडर वो अपने बैग में रख लें, कि वो 2 बजे जब लंच करने आए तो वो लेते आए। उसके बाद शाम को मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक और आप लोगों को दिखाऊंगी उसकी रेसिपी, और देखते हैं मम्मी के गैस ओवन में चॉकलेट केक कैसा बनता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बेबो को नहलाने, नहलाने के बाद छत पे लेके जाऊंगी, आप लोगों को भी छत पे लेके चलूंगी और वहां से दिखाऊंगी कि घर के टॉप पे से पूरे कॉलोनी का व्यू कैसा दिखाई देता है। रैबिट रैबिट।
अभी मैं छत पे आई हुई हूँ गाइस, धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और बेबो नहाने के बाद बेबो ने बहुत बड़ा टैंट्रम शो किया क्योंकि उसे बाल नहीं वॉश करवाने थे और मैंने उसके बाल वॉश कर दिए। वो बहुत रोई बहुत रोई, बहुत प्रोटेस्ट किया उसने कि वो कपड़े नहीं पहनेगी, पर फाइनली किसी तरीके से वो शांत हो गई और अब हम लोग छत पे आए हैं। वो रैबिट के साथ खेल रही है, ये देखिए ये रहा रैबिट, ये रही बेबो रेस्ट, बेबो देख रही है रैबिट को, रैबिट के साथ खेल रही है। बेबो को रैबिट के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा, और वो डेली रिक्वेस्ट करती है मुझसे कि मैं उसे छत पे लेके चलूं, पर दो तीन दिन से मौसम अच्छा नहीं था, वेदर बहुत बढ़िया नहीं था, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं आ रहे थे। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नीचे, मैं तो उसको नीचे छोड़ो, रुको एक इसके साथ अच्छा सा क्यूटी क्यूटी बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। नीचे रखो, मैं नीचे रखो। गाइज अभी मैं घर पे आ गई हूँ, आज है मानसी का बर्थडे। मेरा प्लान नहीं था आने का बिकॉज आई वॉज टोटली नॉट फाइन, बट चाचा लोग ने यहाँ बुलाया, चाची लोग ने फोन किया तो मुझे आना ही पड़ा। बड़ों का कहना नहीं टाला जा सकता है, दैट्स व्हाई, बट स्टिल आई स्टार्टेड हैविंग हेडेक्स, तो मैंने अभी मेडिसिन ली है और मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि बर्थडे सेलिब्रेशन ओवर करके मैं घर चली जाऊं और रेस्ट करूं। हालांकि यहाँ भी मैंने रेस्ट किया है, मैं सो गई थी, पर सो के उठने के बाद पेन्स चालू हो गए थे तो मैंने मेडिसिन ली है। लेट्स सी, देखते हैं। बेबो और बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए, ये रहे बेबो और बच्चे। बेबो बेबो ये लोग खेल रहे हैं। बर्थडे पार्टी जब केक कटिंग होती है तब आप लोग को वो भी लेके चलूंगी, दिखाऊंगी केक कटिंग वगैरह। और सभी लोग, घर वाले और जो लोग बाहर रहते हैं वो भी, सबको आने वाला है, तो लेट्स सी। और जब केक कटिंग होती है तो लेके चलती हूँ आप लोग को नीचे।